मैं बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो क्लियर, चेक कर लूँगी मैं एक बार। और मैं अपने घर आ चुकी हूँ, तो सुकून फील हो रहा है। अगेन वीकेंड है और फिर से मैं एक वीकेंड का व्लॉग बनाने चली हूँ। मैं फ़ोन ना यहाँ रख देती हूँ, दिख रही हूँ ना। हाँ, तो मैं अभी सोकर उठी हूँ और हमारे घर आज गुरु जी का सत्संग है। और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 9:30 हो रहे हैं। लाइफ में पहली बार मैं संडे को 9:30 पर उठ गई हूँ, गुड फॉर मी। तो क्या कहते हैं, 4 बजे हमारा सत्संग है और 9:30 हो रहे हैं, तो मैं ना रेडी वगैरह होंगी। ऑल्सो मेरी एक फ्रेंड है, उसको बड़ा अच्छा लगता है मेरे व्लॉग्स देखना, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। तो उसने मेरे को बोला था कि एक रेगुलर गो टू मेकअप वीडियो बनाऊँ मैं। तो ऑनेस्टली मैं मेकअप करती नहीं हूँ, मतलब ऑब्वियसली करती हूँ जब अच्छी जगह जाती हूँ, बट ऐसे गो टू वाला नॉर्मल डे वाला नहीं करती हूँ। पानी पी लिया अपना गर्म पानी। हाँ, तो मैं ऐसे ना मेकअप करती नहीं हूँ यार, लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा कमाल हो जाता है मेरे में, क्योंकि ना मैं स्किन केयर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ और मैं ब्लश में बिलीव करती हूँ और मैं लिप कलर में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आई फील कि ब्लश और लिप कलर लगाते ही ना फेस एकदम चमक जाता है, तो मैं यही करती हूँ। और 90% ऑफ द टाइम मेरी वीडियो में आप लोग देखोगे मेरे फेस पे ना सनलाइट आ रहा होता है। तो जो ऐसे मैं ना ट्राई करती हूँ कि बैकग्राउंड में थोड़ा अपना ब्लैक रखूँ, डार्क थोड़ा, और सामने से मेरे पर लाइट पड़े एकदम सनलाइट, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फेस आता है। एंड ऑनेस्टली मेकअप की बिल्कुल नीड नहीं पड़ती है। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं बिना फेस वॉश करे ब्लश लगाकर, लिप कलर लगाकर, बाल मस्त खोलकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। सच में नोबडी बिलीव्स इट, पर सच में यार सनलाइट कमाल कर देती है और नहीं ज़रूरत पड़ती मेकअप की, मूड होने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ऑनेस्टली मैंने कल सुबह से मुँह नहीं धोया है। मैं कॉलेज भी ऐसी गई थी रात में, परसों रात मैंने इतना स्किन केयर करा था, कॉलेज भी ऐसी गई थी, घर आ गई ऐसी सो गई हूँ अब। और फिर भी क्योंकि आज मेरे घर पर सत्संग है और लोग भी आएंगे, तो शायद चांसेस है कि मैं कुछ तो कर लूँ फेस पे, मे बी फाउंडेशन लगा लूँ या आँखों के नीचे कंसीलर लगा लूँ। पहले ना मेरे को बीच में हो गया था, मैं ना थोड़ा कंसीलर लगाने लग गई थी फेस पे आँखों के नीचे, पर अब मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बीच में जब मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया था, आई डोंट नो वाई, मैं थोड़ा कंसीलर लगाने लग गई थी आँखों के नीचे, बट अब इट्स लाइक डेली का रूटीन है। और बाय द वे दीदी के कपड़े पहने हैं मैंने ढीले ढीले से। हाँ, बट अब मैं बिल्कुल नहीं लगाती, मैं कॉलेज ऐसी उठ कर चली जाती हूँ, मुँह धोया है तो सही है, नहीं धोया है तो सही है, आई डोंट केयर नाउ। बट लिप कलर इज़ माई मैंडेटरी एंड सम ब्लश इज़ अ कंपल्सरी फॉर मी, क्योंकि उससे फेस पे चमक सी आ जाती है, अच्छा सा लगने लगता है फेस। तो आज मैं फिर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, और लेट्स सी ब्रेकफास्ट में भी क्या बना है। से अभी शैम्पू करूँगी, बाल भी ख़राब हो गए हैं मेरे, शैम्पू करूँगी और फिर रेडी हो जाऊँगी क्योंकि 4 बजे सत्संग। ब्रेकफास्ट कराई हूँ मैं, मैंने खाया ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं खाया है, सैंडविच खाया और कोल्ड कॉफ़ी पिया है मैंने। और अब मैं नहाने जाऊँगी, नहीं मैं सोची पहले आईब्रो करवा कर आऊँ, नीड लग रही है वैसे, ज़्यादा नीड लग नहीं रही है तो समझ नहीं आ रहा करवाने पहले जाऊँ या आईब्रोज करवाऊँ। पहले सोचूँ ऑयलिंग कर लेती हूँ, है ना। हाँ, पहले अब मैं ऑयलिंग करूँगी और फिर मैं नहाने जाऊँगी, फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और हम लोग अब बाहर तैयारी करवा रहे हैं लंगर प्रसाद की। और वैसे तो सब कुछ ही हो गया, डेकोरेशन रहती है थोड़ी। अब टाइम क्या हो रहा है अभी, इट्स 10:11:30। हाँ, डेकोरेशन रहती है और लंगर प्रसाद का थोड़ा सा काम रहता है। और ये थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है, कारपेट बिछ गया है, सफाई हो गई है, गुरुजी की गंदी तैयार होनी है, फ्लावर्स हो चुकी है, ये प्रसाद है, थाली है आरती की, गुरुजी के पाँव हैं, पानी है, शिकंजी है, मतलब जल प्रसाद, समूह जल प्रसाद, बस अब हमें ही रेडी होना है। हाँ, तो मैंने कपड़े पहन लिए हैं और मैंने ये वाइट कलर का सूट पहना है विद वाइट दुपट्टा मैं हटा देती हूँ। बाल भी मेरे सूख गए हैं, ऑल्सो मैं कोई हीट नहीं यूज़ करती अपने बालों में, नेचुरल ड्राई होने देती हूँ।
एंड तो अब मैं अपना थोड़ा सा मेकअप करने वाली हूँ। मैंने सोचा बाय द वे मैंने अपने फेस पे भी कुछ नहीं लगा रखा है, मैंने एक सीरम लगा रखा है ऑयल बेस्ड सीरम जो मैंने घर में खुद ही बनाया था। तो अब मैं ये कंसीलर लगाऊंगी, ये है एल्फ का कंसीलर, दिख जाए तो देख लेना। अरे भी मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा लगाऊंगी। और कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा लेती हूँ ऐसे, यहाँ लगा लेती हूँ, यहाँ थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है फेस, ऐसे लगा लेती हूँ। शिमर क्रीम आती है, ये लोग पहले लगाते हैं, मेरे को बाद में लगाना अच्छा लगता है। मुझे लगता है इससे मेरा फेस एकदम, अगर मैंने कुछ मेकअप किया तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा, मतलब मिक्स हो जाएगा आपस में। तो मैं वो पैसे लगाती हूँ ऐसे करके, थोड़ी शाइन भी आ जाएगी। तो मैंने कंसीलर लगा लिया है, अब मैं लिप बाम लगाऊंगी और फिर मैं लिप कलर लगाऊंगी। 5 रुपए वाली मैं वैसलीन लगा लेती हूँ लिप्स पे। लिप लाइनर आता नहीं है मुझे लगाना, अब दीदी से जाके लिप कलर मांगूंगी क्योंकि मैं अपना सामान यहाँ पे नहीं लाई हूँ। ये मेरे पास, मैं वैसे ब्लश भी नहीं लगाती हूँ, मतलब ब्लश मैंने कोई खरीद नहीं रखा है। ये लिप कलर को ना, पिंक कलर की लिप कलर को ऐसे करके ऐसी लगा लेती हूँ। 90% ऑफ द लोग शायद यही करते हैं, मतलब मुझे ऐसे लगता है। अब मैं को लिप कलर मांगवाती हूँ। मैं बड़ी बेस्को से मैं क्या गवार की हूँ, इसको मैं ऐसे लगा लेती हूँ, मुझे ब्राउन ज़्यादा हो जाता है। और इसके ऊपर एक और लिप कलर है, ये लगाऊंगी। मस्त लग रहा है, थोड़ा ब्लश और लगा लूँ। देख रहे हो ये 2-4 उंगलियों से पूरा मेकअप कर दिया मैंने। आय हाय, अब मैं दुपट्टा फोन ही बना के उनको फिर डेकोरेशन होगी और फिर सत्संग। गिरी में लिप ग्लॉस ले आई हूँ, ये है जस्ट हर्ब्स की, कोई मिनी है। यानी ग्लॉस नहीं देती,
नो आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माय लिप कलर. ये क्या हो गया जी, शेड नहीं अच्छा लग रहा. हे भगवान, ये डाल के देखती हूँ थोड़ा. फेस एकदम रेडी है, मैं भी एकदम रेडी हूँ. चलो बाहर चलते हैं, लगता है वो आंटी आ गई. दूसरे को छोड़ दो, हमसे ना हो. अंदर की डेकोरेशन हो चुकी है, अब हम बाहर की करते हैं. बाहर सारी डेकोरेशन हो गई है, लोग भी आ चुके हैं. One eternity later. सत्संग खत्म हो गया है और सब लोगों ने लंगर प्रसाद भी खा लिया है और सब लोग जा भी चुके हैं. बस पापा के एक फ्रेंड बचे हैं. यार मैंने सबके सामने रिकॉर्ड नहीं कर ली, कभी कोई टोक दे कि सत्संग के टाइम पे तुम फ़ोन चला रही हो या रिकॉर्ड कर रही हो, तो इसलिए मैं पापा कमरे में आके रिकॉर्ड कर रही हूँ. हाँ तो चलो आरती ले लो, मैं आरती दे देती हूँ. ले लो बच्चों आरती, ले लो, ये लो सब ले लो इकट्ठे. जय गुरु जी, शुक्राना. सत्संग इज डन, सब लोग जा चुके हैं. भूल क्या रहा है मुझे और मेरा एवरीथिंग. जय गुरु जी. चलो थक गया, लेट चुके हैं. चलो बाय बाय. अरे अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, स्पेशली मेरा मेकअप, स्पेशली मेरा मेकअप, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. शी डू लॉट्स ऑफ व्हाट. नो आई डोंट. ये बहुत मेकअप करती है गाइस. या यार नींद आ रही है बहुत तेज. चलो बाय.